नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M21 2021 एडिशन। तो यहाँ पे आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी और इसमें आपको मिलता है 15 वॉट का चार्जर। तो हम इसकी हम करने वाले हैं चार्जिंग स्पीड टेस्ट। हम देखेंगे अगर इसे 0% से लेकर 100% चार्ज करते तो कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो फोन है पूरी तरह से रेन आउट हो चुका है, 0% चार्जिंग है। अब हम इसे फुल चार्ज करेंगे उसी के ओरिजिनल चार्जर से। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपको बॉक्स में मिलता जो है 15 वॉट का ये चार्जर। और यहाँ पे जो कनेक्शंस होंगे वो सारे यहाँ पे ऑफ रहेंगे। 1% जब बैटरी लेवल होगा तब मैं इसे ऑन करूंगा और उसके बाद यहाँ पे सारे कनेक्शंस को ऑफ रखूंगा। वाईफाई, ब्लूटूथ, लोकेशन, जो भी कनेक्शंस ऑन होंगे उन्हें मैं ऑफ रखूंगा। हालांकि यहाँ पे AOD पे जो इन्फॉर्मेशन होती है चार्जिंग की, कितने परसेंट हो चुके हैं, कितना टाइम बाकी है, वो यहाँ पे ऑन रहेगी। बाकी यहाँ पे सब कुछ ऑफ रहेगा, ठीक है। और हर 20% के बाद यहाँ पे मैं टाइम नोट करूंगा और जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे नोट करूंगा, ताकि ये भी हमें पता चले कि चार्जिंग के दौरान यहाँ पे कोई हीटिंग इश्यू है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले प्लग इन कर देते हैं इस फोन को चार्जर के साथ। दोस्तों 6000 mAh की बैटरी और 15 वोल्ट का चार्जर, उसके हिसाब से यहाँ पे करीबन 2.5 घंटे जितना टाइम लगना चाहिए फुल चार्ज होने में। लेकिन देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने स्विच को कर दिया है ऑन और यहाँ पे टाइमर को भी स्टार्ट। दोस्तों जो फोन है फुल्ली चार्ज हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा जो टाइम है वो है 2 आवर 33 मिनट। जैसे मैंने आपको बताया था 2.5 घंटे के करीबन ये जो फोन है फुल्ली चार्ज हो जाना चाहिए और ऐसा ही हुआ है। 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, तो अगर आपको भी चेक करना हो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फोन को स्विच ऑन तो किया है लेकिन मैंने यहाँ पे सभी कनेक्शंस को ऑफ रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सभी कनेक्शंस ऑफ है, AOD भी ऑफ है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे फोन को चार्ज किया है और यहां पे अगर आप चार्ज करते हो अपने फोन को तो आपको लगेंगे 2 आवर 33 मिनट्स, ठीक है। और अगर बात करेंगे यहाँ पे लैप्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आखिरी का जो लैप है ना 80 to 100%, मतलब 20% होने के लिए 42 मिनट्स लगते हैं। तो ये बहुत ज्यादा समय है, तो उसको मारो गोली। आप यहाँ पे कर सकते हो 80% चार्ज। 80% यहाँ पे चार्ज होगा केवल 1 आवर 50 मिनट्स, मतलब 2 घंटे से पहले आपका 80% चार्ज हो जाएगा। और 80% चार्ज करना आपके फोन के बैटरी के लिए काफी अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए। तो आप यहाँ पे 80% चार्ज कर सकते हो अपने फोन को 1 आवर 50 मिनट्स में। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे 0 to 20% होता है 28 मिनट में, फिर यहाँ पे 20 to 40% 27 मिनट में, फिर यहाँ पे 40 to 60% 27 मिनट में, यहाँ पे 60 to 80% 27 मिनट में। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो सभी यहाँ पे 28, 27 इसी तरह से यहाँ पे चार्ज हुए हैं, लेकिन लास्ट वाला यहाँ पे 42 मिनट में यहाँ पे चार्ज होता है 20%, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर की, अभी भी चार्जिंग यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे टेम्परेचर अब नॉर्मली है, 33 है। और बैक की बात करेंगे तो यहाँ पे है 34 और चार्जर जो है अभी वो है 37, ठीक है। तो यहाँ पे 37 के ऊपर कभी भी चार्जर नहीं गया है और फोन भी यहाँ पे 35 के ऊपर नहीं गया है। तो
तो चार्जिंग आप यहाँ पे नॉर्मल तरीके से कर सकते हो अपने इस फोन में। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।